are very happy to be here with you again. It's been a long time. और बहुत समय के बाद मैं और मेरी पत्नी तुम्हारे बीच में यहाँ पर खड़े रहने के लिए बहुत आनंदित हैं. So we are sorry our children are not here with us this time. इस बार हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं आए. They're still in the U.S. and they're sad that they cannot be here too. वो अभी भी U.S. में हैं और वो भी उदास हैं कि हमारे बीच में यहाँ पर अब नहीं हैं. So we are just so thankful that we can be here and enjoy some fellowship with you. लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते कि हम यहाँ पर आपके साथ परमेश्वर के संगति में खड़े रह सकते हैं. Let's start with reading 1 Peter chapter 2. पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय. Verses 9-12. और उसमें वचन 9-12. But we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that we should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light, which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Dearly beloved, I beseech you by strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul, having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9-12. पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो. तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो. तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है. हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो. अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें. A brother read earlier about the strangers and pilgrims that were looking for a better country. और जैसे हमने भाई के संदेश से पहले सुना कि वो उत्तम देश की ओर देखने वाले मुसाफिर और परदेशी लोग थे. So what better country were they looking for? तो वो उत्तम देश जिसकी ओर वो देख रहे थे वो कौन सा देश है? Can you help me know what that better country was? तो हम कैसे जान पाएंगे कि वो उत्तम देश में कैसे सब कुछ होता है? Do you have any ideas? क्या आपको कोई समझ है? नई यरूशलेम. What does that mean? उसका मतलब क्या है? Heaven, okay. Anyone else? Any other answers? The better country. ये उत्तम देश क्या है? और कोई जवाब है क्या? वहाँ. A country where God reigns, right? The government of God. और ऐसा एक देश जिसमें कोई बीमारी नहीं है, ऐसा एक देश जहाँ पर हमेशा परमेश्वर वास करता है, परमेश्वर की प्रभुता चलती है. Now let me ask you another question. How many of you have eternal life? अब मैं तुम लोगों को एक और एक प्रश्न पूछता हूँ. आप में से कितने लोगों के पास अनंत काल का जीवन है? So now, what is eternal life? तो अभी अनंत काल का जीवन क्या है? Knowing God and His Son Jesus Christ. Very good. परमेश्वर को जानना और उसके पुत्र यीशु मसीह को जानना ही अनंत काल का जीवन है. Nature of God. Nature of God. Very good. परमेश्वर का स्वभाव. Eternal life is Jesus Christ. Knowing Jesus Christ is eternal life. और अनंत काल का जीवन ही परमेश्वर को जानना है, यीशु मसीह को जानना मतलब अनंत काल का जीवन है. So when does eternal life start? तो अनंत काल का ये जीवन जो है शुरू कब होता है? When you're born again. जब हमारा नया जन्म होता है. So do you have to wait till you die before you have eternal life? तो क्या आपको मरने तक इंतजार करना पड़ेगा कि आपका जो अनंत काल का जीवन है वो शुरू हो जाए? So you already
You already have eternal life when you're born again. तो जब तुम्हारा नया जन्म हो जाता है, तुम्हारे पास अनंत काल का जीवन तब से शुरू हो जाता है। And you, yes, you do have to die. You have to die to that old life that you had. तो हाँ, जरूर हमें मरना है, वो जो पुराना मनुष्यत्व है, उसके ओर हमें मरना है। So, what I'm trying to say is, if you already have eternal life, you already have the better country that they were looking for. ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि तुम्हारे पास वनंतकाल का जीवन अब से मौजूद है, तो मतलब आपने उस उत्तम देश में पहले से ही प्रवेश कर गए हो। You already have the citizenship in that better country. तो वो उत्तम देश की जो नागरिकता है, वो तुम्हारे पास पहले से ही है। The only difference is that you're living in another country, and you have to live here for a few years before you can actually enter into the physical better country. सिर्फ फर्क ये है कि तुम्हारे पास नागरिकता तो पहले से है उस उत्तम देश का, लेकिन थोड़े तात्कालिक के लिए, थोड़े समय के लिए अभी इस संसार में हमें बिताना है, फिर बाद में हमें उस उत्तम देश में प्रवेश करना है। Here in 1 Peter chapter 2 in verse 9 it says that you are already a chosen generation, you are already a holy nation, you are already a special people for God. और यहाँ पर पहला पत्रस दूसरे अध्याय के 9वें वचन में ऐसा लिखा है, तुम तो पहले से ही एक चुना हुआ वंश हो, पहले से ही राजपदधारी याजकों का समाज हो, और पहले से ही तुम एक पवित्र लोग हो। Now in verse 11 it says, but you are pilgrims and strangers in this world, so you should abstain from fleshly lust. और आगे उसी अध्याय के 11वें वचन में ऐसा लिखा है कि जरूरी है कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर इस सांसारिक अभिलाषाओं से, आत्मा से जो युद्ध करते हैं, बचे रहो। Let's look at 1 John chapter 2. और पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय की ओर मुड़ेंगे। Verse 15 and 16. और उसमें वचन 15 और 16। Just go ahead and read it. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 15 और 16। तुमने तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। So God here is trying to tell us that you are in the world as strangers and pilgrims, but you're not supposed to love the world. परमेश्वर इन वचनों के जरिए से हमसे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम इस संसार में एक यात्री और मुसाफिर होकर जी रहे हैं, लेकिन इस संसार की चीजों में हमें कोई प्रेम नहीं रखना है। Because the world is nothing like the better country that you're already a citizen of. क्योंकि वो जो उत्तम देश जिसकी नागरिकता तुम्हें पहले से मिल चुकी है, उसकी तुलना में जगत कोई उसमें कोई उत्तम बात नहीं है। Everything that defines the world is so different and so much against the better country that you're looking for. और जो कुछ भी बातें इस संसार में होती है, जो कुछ भी बातें इस संसार को बनाती है, वो सारी बातें वो उत्तम देश के बिल्कुल विपरीत है। The world system is the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. और जो कुछ भी संसार में है, जो कुछ भी संसार का नियम है, वो शरीर की अभिलाषा है, आँखों की अभिलाषा है, और जीविका का घमंड है। So we have to be careful as we are citizens of a different country, a better country, we have to abstain. It says in 1 Peter, you have to stay away from these kinds of desires of the world. और इसीलिए उस उत्तम देश के नागरिकता होने के वजह से, हमारे पास उसका नागरिकता पहले से होने के वजह से, जरूरी है कि संसार में जो सारी अभिलाषा है, उससे अपने आप को हमें बचाए रखना है। You know, today we have in many countries there are people, because it's so easy now with computers and printers and so on, it's so easy to print money. तो हम आज के समय में समझते हैं कि दुनिया में कितना सारा आधुनिक तकनीक बहुत आसानी से उपलब्ध है, इसके वजह से कितने लोग पैसों को भी आसानी से प्रिंट कर पाते हैं। And it's very easy to print money that looks very real. और बिल्कुल वो जो नकली पैसा है, रुपया है, उसको भी बहुत ही असली के समान प्रिंट कर पाते हैं। So they teach people in the bank how to recognize the proper money. इसलिए बैंक में जो कर्मचारी काम करते हैं, उनको खास विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह से असली को नकली से वो समझ सके। And they don't teach them all the kinds of
fake money there is. They just show them the real money and they show all the different features of the real money. ऐसे प्रशिक्षण देते वक्त सिखाते वक्त उनको सारे जो नकली रुपए हैं जिस तरह से नकली रुपए दिखते हैं उसका कोई सीख नहीं मिलता, लेकिन जो असली रुपया होता है उसके बारे में उसकी जो कैसे दिखता है उसकी जो सारी परख है उसकी समझ उसे सिखा देते हैं. So the people in the bank have to study very carefully what real money looks like. तो इसलिए जरूरी है कि बैंक के कर्मचारी को वो असली रुपया कैसा दिखता है, कैसा होता है, उसके बारे में अच्छी तरह से समझ रखना जरूरी है. So as soon as they see something that's fake, they can recognize immediately that it's fake. तो इसलिए जब उनके सामने वो नकली रुपया आता है तो झट से वो समझ सकते हैं कि ये पैसा या रुपया जो है वो नकली है. So what I'm trying to show, I'm trying to give you an example of rather than figuring out what are all the bad ways of living life, focus on what's the good way of living life. तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक उदाहरण के तौर से कि जो सारे गलत तरीके हैं जीने के उस पे ध्यान मत दो, लेकिन जो सही तरीका है जीने का उस पर केवल हमारा ध्यान लगा रहे. We may have a lot of questions about what is the lust of the flesh or what is the lust of the eyes or the pride of life. And we can't have enough examples to show all of those things. तो हमारे पास बहुत सारे सवाल होंगे कि इस शरीर की अभिलाषा क्या है, आँखों की अभिलाषा क्या है, या जीविका का घमंड क्या है. हमारे पास इतने सारे उदाहरण तो नहीं होंगे कि इन सारे बातों को कैसे हम समझाएं. But if we look at the example of what the right way to live is, then it's easy to see that example because the only one that has those characteristics is Jesus Christ. लेकिन यदि हम उस उदाहरण को देखेंगे, वो उदाहरण जो हमेशा सही परमेश्वर के अनुसार उसने जीवन बिताया, यदि उस उदाहरण को हम देखेंगे, वो उदाहरण जो यीशु मसीह है, तब हमें समझ आएगा कि जीवन को सही तरीके से जीने का अर्थ क्या है. So if you want to live a life that is like that new country or the better country that you're going to, then just look at the life of Jesus Christ and follow the example of Jesus Christ. So यदि आपके दिल में वो इच्छा है कि उस उत्तम देश के जीवन के अनुसार अब यहाँ इस संसार में रहते हुए हम बिताएं, तो हमें यीशु मसीह की ओर देखना है कि उसने किस तरह से अपने जीवन को बिताया और उसको हमारे आगे एक उदाहरण के सामने रखना है. So let's look at Matthew chapter 11. मत्ती के 11वें अध्याय की ओर मुड़ेंगे. Matthew chapter 11, verses 28 to 30. मत्ती 11 उसका 28 से 30. Go ahead and read. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है. In all the Gospels, this is the only time where Jesus actually describes his character. और सारे सुसमाचार के पत्रियों में से ये ऐसा एक पत्र है जहाँ पर यीशु मसीह अपने स्वभाव को या गुण को प्रकट करता है. He says, "I am meek and lowly in heart." और वो कहता है कि मैं मेरे मन में दीन और नम्र हूँ. So that is our example to follow. तो ये हमारे लिए एक उदाहरण है जिसके पीछे हमें भी हो लेना चाहिए. He also gave us another example in the Sermon on the Mount in Matthew chapter 5. और मत्ती 5 के पहाड़ी उपदेश में एक और एक उदाहरण यीशु मसीह ने हमें दिया है. In Matthew chapter 5 verses 3 to 12, he gives us different characteristics of what the life of a person in that better country looks like. और मत्ती के 5वें अध्याय उसके वचन 3 से लेकर 12 में परमेश्वर यीशु मसीह और अधिक ऐसे गुण को प्रकट किया है, ऐसे गुण जिसके जरिए से हम उस उत्तम देश के नागरिकता का जो स्वभाव है हम बता सकते हैं. He talks about people who are poor in spirit, people who are meek, people who hunger and thirst after righteousness, people who are merciful, people who are pure in heart, people who are peacemakers. These are all examples he's given of what life looks like in a better country. और उन वचनों में उन्होंने उदाहरण दिया है कि कैसे लोग धन्य हैं जो मन के दीन हैं, जो मन में शोक करते हैं, जो नम्र हैं, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, जो दयावंत हैं,
और जो मन के शुद्ध हैं और जो मेल करने वाले लोग हैं, ये सारे जो स्वभाव है उस उत्तम देश के नागरिकता का स्वभाव है. So rather than trying to figure out all the different ways in which people can do the wrong things, just focus on the life of Jesus, looking at Jesus and learning from Jesus the things that he's trying to teach us. तो हम उन सारे बातों के ऊपर हम ध्यान न लगाएं जैसे कि हम जान सकते कि कैसा गलत जीवन बिता सकता है, उस पर हम ध्यान न करें, लेकिन जो सही जिंदगी बिताने का तरीका है, जो यीशु मसीह ने हमें उदाहरण के रूप से इन वचनों के जरिए से समझाया है, उसके ऊपर हमारा ध्यान लगा रहना चाहिए. Let's look at 2 Corinthians chapter 3. और दूसरा कुरिन्थियों उसका तीसरा अध्याय. Second Corinthians chapter 3 verse 18. और दूसरा कुरिन्थियों 3 का 18. परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं. So it says that as we look at the reflection of Jesus, it's like you're looking in a mirror and you see the reflection of Jesus. As you look at that reflection and keep looking at that reflection, you will soon be changed into that same image that you're looking at. इसलिए ऐसा बताया कि जैसे हम दर्पण में या आईने में देखते हैं, तो वहाँ पर हम यीशु मसीह का जो प्रतिमा है वहाँ पर उसे देखते हैं, और दिन प्रतिदिन आईने में ऐसे देखते हुए, आत्मिक आईने में देखते हुए, हम यीशु मसीह के स्वभाव को हम धारण कर सकते हैं. And the mirror that is talking about is the word of God. और वो जो आईना है वो परमेश्वर के वचन को दर्शाता है. As you read the word of God and as you reflect on things that you read, look for Jesus Christ in the scripture. और जैसे आप वचन को पढ़ते जाते हो, जैसे उस पे मनन करते जाते हो, तो उन वचनों में भी यीशु मसीह के स्वभाव या यीशु मसीह को तुम ढूंढो. That would be the same thing as setting your eyes on the better country. और ऐसा करना बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हम हमारे आंखों को, नजरों को उस उत्तम देश की ओर लगाए हैं, उसका मतलब ये होगा. So as you read the word of God, instead of trying to look at the higher knowledge or intellectual knowledge about the Bible, look for the glory of Jesus Christ that is revealed in the pages of Scripture. और जैसे हम वचन को पढ़ते हैं, हम इस बात की खोज में ना रहे कि बाइबल के बारे में बड़ी बड़ी बातें या उसका ज्ञान पाले, लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तो यीशु मसीह की महिमा को ढूंढते हुए हमको वचन को पढ़ना है. And the more you look at the glory of Jesus Christ, your own self is going to be changed into that same image that you're looking at. और जिस तरह लगातार हम परमेश्वर की, यीशु मसीह की महिमा को ढूंढते हुए वचन को पढ़ते रहते हैं, तो हमारा भी जो स्वभाव है, हमारा भी जो गुण है, यीशु मसीह की महिमा के अनुसार वो बदलता जाएगा. If some bad thoughts come into your mind, यदि कोई बुरे विचार आपके मन में आते हैं, turn your eyes on the glory of Jesus. तब हमारे नजरों को, हमारे आँखों को यीशु की महिमा की ओर हमें पलटना है. Let your mind be filled with the glory of Jesus. तो तुम्हारे मन को है जो यीशु मसीह की महिमा से भरे रहने दो. And when your mind is filled with the glory of Jesus, it cannot hold anything more. और जब परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा से हमारा मन भरा हुआ रहता है, उसके ऊपर और अधिक भरने के लिए कोई जगह नहीं रहती. If someone says something to offend you, और यदि कोई आपको ठेस पहुंचाता है या आपको बुरा लगता है किसी के व्यवहार के वजह से, rather than responding with anger, turn your eyes to Jesus Christ. तो ऐसे परिस्थिति में गुस्से में प्रतिक्रिया करने के बदले में आप आपकी नजरें यीशु मसीह की महिमा के ऊपर पलट दें. Look at the glory of Jesus Christ. यीशु मसीह की महिमा को आप देखें. And allow him to fill you with love. To respond to the person with love. और अनुमति दे कि उस परिस्थिति में परमेश्वर यीशु मसीह आपको प्रेम से भरे, ताकि जिस व्यक्ति ने आपको ठेस पहुंचाया है उसके प्रति भी आपकी प्रतिक्रिया प्रेम से भरा हो. Just look at Jesus as someone you can be immersed in all the time. और यीशु मसीह को इस तरह से देखो जिससे हमेशा तुम उसमें डूबे रह सकते हो. So that no matter what happens, you can always respond with the love of Jesus. ताकि फिर आपके आसपास में जो कोई भी परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, आप हमेशा प्रेम सहित आपका प्रतिक्रिया हो. That's what in Hebrews it was saying. They were looking for a better country. They kept their eyes on Jesus Christ all the time. और इसी बात को हमने हिब्रानी में 11वें अध्याय में देखा कि वो लोग जो है उत्तम देश की ओर हमेशा ताक लगाए हुए देख रहे थे, जिस ठीक उसी तरह जैसे हम हमारी नजरों को यीशु मसीह के ऊपर लगाए हुए रहते हैं. So as we do that, we can see what is said in the next chapter, in chapter 4,
In verse 8 to 10. और जैसे हम इन बातों को करते हैं तो दूसरे कुरिंथियों के चौथे अध्याय में 8 से 10 तक जो बातें होती है उसे हम देख सकते हैं। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जो जीवन है जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। So when we are living in this world, then we will have troubles from every side. और तब जब हम इस संसार में जी रहे हैं तो हमारे चारों ओर हमारे लिए क्लेश और विपत्ति होगी। There will be persecutions. हमारे चारों ओर सतावट होगी। There will be struggles that we have. और हमारे लिए जीवन में संघर्ष बहुत सारा होगा। But through all of these, we are not going to be destroyed. लेकिन इन सारे होने के बावजूद हम कभी नाश नहीं होंगे। If we can take this all patiently, और हम बहुत ही धीरज रूपी इस सारी चीजों के जरिए से हम गुजर सकते हैं। The life of Jesus is made alive in our own bodies. और इसके जरिए से यीशु मसीह का जो जीवन है वो हमारे देह के जरिए से वो जीवन हो जाता है। And even though we are living in this world, और हम इस संसार में जीते हैं तो फिर भी we are reflecting the citizens of the better country. तो वो उत्तम देश की नागरिकता के गुण को हम प्रकट करते हैं। And the Jesus is revealed to the world. और उसके जरिए से ऐसा करने से यीशु जो है संसार में प्रकट होता है। And it's not because of anything we do. और वो हमारी कोई भलाई के वजह से हमारे कोई कर्तव्य के वजह से नहीं होता। But it's because of what it says in verse 7. और ये उस वजह से होता है जो सातवें वचन में लिखा है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। So we already have the treasure, which is Jesus Christ, in our own flesh. और हम जो देह में जीते हैं, हम हमारे अंदर यीशु मसीह जो धन के समान है, वो हमें वास करता है। And it's that life of Jesus Christ that needs to be revealed to the world. और यही यीशु मसीह का जो जीवन है, उसे हम इस दुनिया में हमें प्रकट करना है। So as we focus our attention on the glory of Jesus Christ, we are changed into his image and his life is reflected in our own life. तो जैसे लगातार हम यीशु मसीह के महिमा के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसकी जो गुण है वो हम में प्रकट होकर उसका जीवन इस संसार में हम प्रकट कर पाते हैं। So we praise the Lord for the life of Jesus that is made available to us today. और इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं कि यीशु मसीह का जो जीवन हमारे लिए आज मौजूद है वो हमारे में वो कार्य करता है।